मेरा टेस्ट सीरीज का रिकॉर्ड देख लो करके। आपने मुझे मजबूर कर दिया ऐसे बोलने के लिए। मैं कुछ नहीं बोल सकती अब इसके आगे। मतलब एक नंबर से अगर मेरा रिजल्ट दूसरा आ रहा है तो आप सब खिलाफ हो जाएंगे। ऐसे कैसे मुझे न्याय मिलेगा जाकर के? I'm speechless। ये वीडियो आपने सोशल मीडिया पर तैरता हुआ देखा होगा। लखनऊ की नीट एस्पिरेंट आरुषि पटेल ने पहले एनटीए पर फटी ओएमआर शीट की तस्वीर भेजने का आरोप लगाया था। उसके बाद अब ये भी आरोप लगा दिया कि एनटीए ने आयुषि का रिजल्ट दरअसल एक गलत एप्लीकेशन नंबर से जारी किया है। उधर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसे फर्जीवाड़ा बताया है। अब सवाल ये है कि आरुषि क्या झूठ बोल रही है? आइए पूरी कहानी जानते हैं। लाखों छात्रों की तरह लखनऊ की रहने वाली आयुषि पटेल ने भी इस साल 24 लाख छात्रों के साथ नीट की परीक्षा दी थी। सबसे पहला आरोप ये था, जब नतीजे आए तो उसमें आयुषि का रिजल्ट नहीं था। वहीं आयुषि का दावा है कि आंसर की से मिलाने पर उनके हिसाब से 715 नंबर मिलने चाहिए थे, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही जवाब गलत था। बता दें कि नीट परीक्षा कुल 720 अंकों की होती है। सवाल होते हैं 180, सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। अब जब आरुषि के मुताबिक उनका रिजल्ट जारी नहीं हुआ तो उन्होंने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को मेल किया कि उनकी आंसर शीट उन्हें दिखाई जाए। आरुषि ने कहा कि इस पर एनटीए का जवाब आया, उन्होंने मेल पर तस्वीर भेजी। आयुषि का आरोप है कि मेल पर भेजी गई ओएमआर शीट फटी हुई थी। आयुषि का आरोप है कि ओएमआर जानबूझकर टैम्पर की गई। इसके बाद आयुषि ने जवाब दिया कि ओएमआर फटने के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। मांग रखी कि अगर शीट फट भी गई है तो उनका रिजल्ट ना रोका जाए। इसी मांग के साथ आयुषि ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका डाली। कहा गया कि जब उनके केस को लेकर हाईकोर्ट कोई फैसला जब तक नहीं ले लेता तब तक नीट के जारी रिजल्ट पर आगे की प्रक्रिया पर रोक दिया जाए। एनटीए ने मेरे मेल पे ये मेरा ओएमआर भेजा बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में। इसको बारकोड को उन्होंने फाड़, बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे जानबूझ के फाड़ा हुआ हो। ये फटा हुआ ओएमआर मेरे स्क्रीन पे आया और ये मेल भेजा था जिससे पता चल रहा है। ये मेल आया था मेरे पास में, इसमें सारे बबल्स जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारे बबल्स क्लियरली विजिबल हैं। अगर आप इस क्लियरली विजिबल हैं सारे बबल्स, एक एक बबल विजिबल है। इसको जब हमने मैनुअली चेक किया तो हमको पता चला कि 715 ही आ रहा है। मेरा नीट का स्कोर भी यही था जो मैंने एनटीए की फाइनल आंसर की से चेक किया था। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मेरी फीलिंग्स को समझें। मेरे पास जितने प्रूफ्स हैं और जो एनटीए से मेल आया है, मुझे सपोर्ट करें और जस्टिस दिलाएं कि मेरा पेपर दोबारा से चेक हो। जो मेल पे मेरा पेपर आया है वो चेक किया जाए और मेरा भी रैंक में नाम आए। इस बीच 10 जून की रात एनटीए ने लखनऊ की रहने वाली आयुषि पटेल द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब दिया। एनटीए ने कहा कि एनटीए की ऑफिशियल आईडी से आयुषि पटेल को किसी भी तरह की फटी आंसर शीट नहीं भेजी गई। ओएमआर शीट एकदम सही हालत में है और स्कोर भी ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से बिल्कुल सही है। फिर आयुषि की तरफ से एक और वीडियो आता है। इसमें उन्होंने एनटीए के उस जवाब को काउंटर किया है जिसमें एजेंसी ने दावा किया कि उसने आयुषि को फटी ओएमआर शीट की तस्वीर मेल नहीं की थी। आयुषि का दावा था कि उत्तर कुंजी आंसर शीट के मुताबिक उनके 720 में से 715 नंबर आने थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि एनटीए ने आयुषि का रिजल्ट एक गलत एप्लीकेशन नंबर से जारी किया है। उसमें आयुषि के सिर्फ 355 नंबर ही आ रहे हैं। अब इस पर बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट किया प्रियंका गांधी के ट्वीट पर। दरअसल प्रियंका ने आयुषि पटेल की वीडियो शेयर की थी। आयुषि का सपोर्ट करते हुए प्रियंका गांधी लिखती है, नीट जैसी परीक्षाओं में लाखों बच्चे मेहनत से तैयारी करते हैं और अपनी जिंदगी के सबसे कीमती पल इस तैयारी में लगाते हैं। पूरा परिवार इस प्रयास में अपनी श्रद्धा और शक्ति डालता है, लेकिन साल दर साल इन परीक्षाओं में पेपर लीक, रिजल्ट से जुड़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं। क्या परीक्षा कराने वाली एजेंसियों की जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? क्या सरकार को लापरवाही वाला रवैया छोड़ परीक्षा प्रणाली पर गंभीरता से विचार नहीं करना चाहिए? हम अपने युवा साथियों के सपनों को यूं बिखरता हुआ नहीं देख सकते। उनकी मेहनत के साथ सिस्टम द्वारा किया जा रहा यह अन्याय रुकना चाहिए। सरकार को गंभीरता से इन गड़बड़ियों को सुधारने के लिए एक कदम उठाने होंगे। इस वीडियो के सामने आने के बाद भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने प्रियंका गांधी के इस पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा,
केवल धोखेबाजों का परिवार ही स्टूडेंट्स के जीवन और करियर को खतरे में डालने के लिए एक और धोखाधड़ी को बढ़ावा दे सकता है। शहजाद ने आयुषी की पुरानी कोविड वैक्सीन वाली वीडियो शेयर करते हुए लिखा, पिछले दिनों जिस लड़की ने सवाल उठाया था उसने कहा था कि उसने कोविड वैक्सीन का आविष्कार किया है। अब एनटीए ने स्पष्ट किया है कि उस लड़की का ओएमआर सही है और उसने 715 नहीं बल्कि केवल 355 अंक प्राप्त किए हैं। कांग्रेस ने चुनावों के दौरान फर्जीवाड़े पर भरोसा किया और वो चुनावों के बाद भी फर्जीवाड़े का इस्तेमाल करते रहे। फर्जी गांधीवादियों को फर्जीवाड़े का शौक है। इसके बाद सोशल मीडिया पर आयुषी पटेल को लेकर तरह तरह की बातें की जाने लगी, जिसके बाद आयुषी ने एक और वीडियो शेयर किया। इसमें आयुषी ने पूछा कि बाकी सारे छात्रों का रिजल्ट गलत आ सकता है तो उनका क्यों नहीं आ सकता, जिस एप्लीकेशन नंबर से उन्होंने एग्जाम दिया वो कैसे गलत हो सकता है। आयुषी के मुताबिक एडमिट कार्ड पर उनका एप्लीकेशन नंबर 24041184071 था, जिसकी ओएमआर शीट फटी होने की बात कहकर एनटीए ने रिजल्ट जारी करने से इनकार कर दिया था। लेकिन जब आयुषी का एप्लीकेशन नंबर 24041134071 डाला गया तो उसका रिजल्ट खुलकर सामने आ गया। इस गलत एप्लीकेशन नंबर से आयुषी पटेल के नंबर 355 ही आए हैं। Myself आयुषी पटेल, ये मेरा क्वेश्चन है उन लोगों के लिए कि अभी तक जो मेरे सपोर्ट में थे सिर्फ एक कमेंट की वजह से कि 8 की जगह 3 डाल के देखो, जिसका एडमिट कार्ड मेरे पास है, सीसीटीवी फुटेज उनके पास है कि वो सीसीटीवी फुटेज में मैं वहां पे पेपर दे रही हूँ, मेरा ओएमआर नहीं है, मेरे ओएमआर मुझे मेरे मेल पर आया है, अब सब कुछ फेक हो गया। ओएमआर वो जाने वो कहां से लेकर आए मेरी ओएमआर, यही तो मेरा क्वेश्चन था। आप मेरे क्वेश्चन को एक मुद्दा क्यों बना रहे हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ मेरा ओएमआर चेक चाहिए, चाहे वो असली हो चाहे वो नकली हो। जब बाकी सारे कैंडिडेट के रिजल्ट गलत हो सकते हैं और उनकी फेक आईडी पे मेल आ सकते हैं तो मेरे क्यों नहीं आ सकते, क्या मेरा हक नहीं है? अगर मेरा रिजल्ट दूसरे नंबर से जनरेट हो रहा है तो वो एनटीए वालों की गलती है कि वो मेरे रिजल्ट को दूसरे नंबर से जनरेट कर रहे हैं और मुझे ढूंढ के दिखाई। वो लड़की जिसने मेरे यूट्यूब वीडियो पे कमेंट किया है कि 8 की जगह 3 डाल के देखो तो आएगा, तो उस लड़की को कैसे पता चला, जब वो कौन है, मैं जानना चाहती हूँ कि वो है कौन जिसको पता चला कि वो 8 की जगह 3 डाले। मेरा फेक एडमिट कार्ड जिस नंबर से मैंने रिसिप्ट की, जिस नंबर से मैंने एक स्टेशनरी शॉप पे मैंने उसको जाकर के रजिस्टर किया, मैं फेक हूँ? कल तक जो मेरे सपोर्ट में थे आज मेरे खिलाफ हो गए, यही आपका प्यार है आपकी बेटी की तरफ? कोई हक नहीं है, ये हक की लड़ाई है। एनटीए को अगर इतनी ही दम है तो एनटीए को जाके बोलो कि अगर सबका रिजल्ट फेक दे सकता है तो मेरा भी रिजल्ट फेक दे सकता है। जब बच्चे के 715 आ रहे हैं लगातार, वो टेस्ट सीरीज में स्कोर कर रही है, मेरा टेस्ट सीरीज का रिकॉर्ड देख लो करके, आपने मुझे मजबूर कर दिया ऐसे बोलने के लिए, मैं कुछ नहीं बोल सकती अब इसके आगे। मतलब एक नंबर से अगर मेरा रिजल्ट दूसरा आ रहा है तो आप सब खिलाफ हो जाएंगे, ऐसे कैसे मुझे न्याय मिलेगा जाकर के? I'm speechless. आयुषी का दावा था कि उनके आंसर की पर 715 नंबर है। अब इस पूरी कहानी में झूठ कौन बोल रहा है? एप्लीकेशन नंबर गलत है, सही है, एनटीए सही कह रहा है, गलत कह रहा है, कौन सही कौन गलत, ये अभी भी सवाल है। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कहना है आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं, और देश विदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ तक।